कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न का मामला भारत में भी तूल पकड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कनाडा के लिए अच्छा नहीं है, रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर झांकी का एक वीडियो सामने आया है जहाँ दिवंगत इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया। पीएम मोदी के विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एस जयशंकर ने कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्या के जश्न की खबरों पर कहा, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल है। साफ तौर पर हमें वोट बैंक की राजनीति के अलावा ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा छुपा हुआ मुद्दा है जो अलगाववादियों, चरमपंथियों, हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। रिगार्डिंग दिस फ्लोट इशू यूज्ड, लेट मी एक्चुअली आंसर इट, बिकॉज़ आई थिंक देयर इज अ बिगर इशू इन्वॉल्वड, एंड द बिगर इशू इन्वॉल्वड इज रियली द स्पेस दैट कनाडा हैज कंटिन्यूअसली एंड फ्रैंकली टू अस, यू नो, वी आर एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड अदर देन the requirements of vote bank politics, why anybody would do this? Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So you know, it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या को दर्शाती हुई एक झांकी निकालने का मामला सामने आया है। खालिस्तान समर्थकों की इस झांकी में दो सिख गनमैन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को गोली मारते दिखाई दे रहे हैं। ये झांकी 4 जून को ब्रैम्पटन में एक सिख परेड का हिस्सा थी जिसमें खालिस्तान के झंडे को दर्शाया गया था। पोस्टर में लिखा था, ये है बदला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।